spinning. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look forward, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a vest. When I spit the truth, they all listen to the facts. Got nothing to lose, so I put up in the bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, though it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract. Or you're gonna look back and regret what you lack. तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की से एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो में हमें एक ऐसा बंदा मिलता है जिस गेम छोड़ देते हैं भाई। वो रीज़न क्या था जो हमें उस बंदे को छोड़ना पड़ा, मतलब वो मीटअप वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं था, पर उस वीडियो उस मतलब सीन के पीछे एक रीज़न है जो कि मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊँगा। तो देखना, तुम मज़ेदार रीज़न है भाई, मतलब तुम भी हंस हंस के पागल हो जाओगे। अभी गाइस सामने मैंने एक बंदा नोक करा था, और थोड़ा सा भाई एनर्जी ड्रिंक भी उठा लेते हैं यहाँ से। अब चलते हैं उस बंदे को फिनिश करने। इधर आके मैं जैसे ही इस वाले बंदे को मारता हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई पीछे भी कुछ बंदे हैं, तो बारी है भी ना मारने की। और ये सामने वाले घर में आपस में लड़ रहे, एक बंदा इधर वाले घर में है लेफ्ट वाले, एक बंदा राइट वाले घर में है। अभी जो है यार राइट वाला बंदा नोक था, जो कि बिल्कुल मेरे सामने वाले घर में था, उसे मैंने मार दिया इजीली। पर बारी थी अभी लेफ्ट वाले घर की, जिस बंदे से ये बंदा लड़ रहा था, अब बारी थी उसे मारने की। तो मैंने क्या करा, मैं सेम घर में गया जिस घर में मैंने बंदा नोक करा था, क्योंकि यहाँ से इस बंदे के पास एंगल था उसे मारने का। और बस जिस ट्रिक का यूज़ करके ये बंदा उस बंदे को मार रहा था भाई, उसी ट्रिक का यूज़ करके तुम्हारे भाई ने भी फेल दिया। अब दो बंदे इधर की तरफ होते हैं, जिनमें से ये एक बंदा तो ग्राउंड फ्लोर पे था और इसका दूसरा टीममेट भाई दूर था। जैसे ही यार मैंने इसको टपकाया, तुरंत इसका टीममेट आता है, वो मेरे ऊपर पुश करता है। और ये भी भाई मुझे देख नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारा भाई दीवार पे खड़ा होकर टीपीपी ले रहा था। और तुम्हें पता है पबजी मोबाइल में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है भाई? टीपीपी। अभी गाइस मैं और मेरा टीममेट आते हैं सीधा एक फ्लेयर ड्रॉप पे, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ बंदे थे और यहाँ पे वो बंदों ने ना भाई फ्लेयर ड्रॉप लूट लिया था, और मेरा टीममेट सबसे आगे आगे जा रहा था। देखो कैसे जा रहा, मतलब लूट की चाहत देख रहे इसके अंदर कितनी है। यहाँ पे क्या सीन हुआ, मैंने सामने वाले बंदे को नोक करा और सामने वाले बंदे ने मेरे टीममेट को नोक कर दिया। अब बारी थी भाई या तो मैं अपने टीममेट को रेव दे लूँ या सामने वाले बंदों को पेल दूँ। मैंने सोचा भाई सामने वाले बंदों को मार ही देते हैं, रिवाइव तो दे ही देंगे। देन जैसे ही मैंने सामने वाले बंदों को मारा, मैंने दो स्मोक गिरी अपने टीममेट के ऊपर और ईजी रिवाइव दिया बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ पे और बंदे तो है नहीं, और इसके बाद हम इनकी लूट भी ले लेंगे साला जो ड्रॉप में से इनके पास आया है। अब मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव दिया, हम दोनों ने गाड़ी उठाई। और यहाँ पे तुम कहने वाले हो यार मतलब तू भाई किस वजह से गेम खेलता है, हमें यूँ बता दे, मतलब तेरे गेम खेलने के पीछे रीज़न क्या है कि तू इतना भाई मतलब अच्छा कैसे है गेम में। अब देखना क्या हुआ यहाँ पे, मैं आया, मैंने आराम से गाड़ी रोकी, इधर की तरफ ना कुछ बंदे थे जिन्होंने हमें फायर करके बुलाया था, ठीक है। पर वो बंदा भाई रैंक पुश कर रहा था, या तो उससे गलती से फायर हो गया होगा, और वो बंदा स्क्वाड हाउस में था, स्क्वाड हाउस का गेट खुला, मेरे टीममेट ने मार्क करा और वो बंदा हल्का सा जंप करता है। पहले मुझे लगा ये बंदा मारने के लिए पीक कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद दिखा तो जंप कर रहा था, और उसके बाद मैंने इसे सीरियसली मारा नहीं। अभी बस क्या सीन था, हमें थोड़ा सा वेट करना था उस बंदे का हमारे ऊपर पुश करने का या मीटअप करने का, मतलब जो भी है भाई उसके जिम में आ जा, हमें बता दे क्या है तेरे जिम में, अगर तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए होगी वो भी हम तुझे प्रोवाइड करेंगे। अब तुमने देखा होगा ये बंदा मुझे जानता वानता नहीं, इसे नहीं पता भाई मैं कौन हूँ। और इस बंदे ने कहा भाई मैं रैंक पुश कर रहा हूँ, तो मैंने भी कहा चल यार कोई नहीं, रैंक पुश कर रहा है तो भाई कर ले, पर अगर मेरी जगह कोई हरामी बंदा होता ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसकी क्रेट बना के चला जाता। अब इस वाले मैच में ना हमें सिर्फ इतना देखना है वाला बंदा हमें आगे जाके कहीं ना कहीं मिलता है या नहीं। अभी फिलहाल हमारे पास 3 सीटर आ चुकी थी, क्योंकि उस वाली गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था, तो मुझे पोचिंकी में ये यूएस दिखती है, मैं ऐसे चेंज कर दें। और चालक कैंपर की कमी थोड़ी ना है पोचिंकी में,
तभी यहाँ से एक बंदा फायर देता है और अब ना ये बंदा मेरे एम पे आ चुका था भाई, कहीं कुछ भी हो जाए मतलब इस बंदे को मैं जाने नहीं दूंगा। और मैंने यहाँ पे ग्रेनेड की पिन खींची, ग्रेनेड डाला अंदर और बंदा जो है भाई कूद के पीछे वाली ब्रोकन वॉल पे चला गया। मैं कहा भाई तुम तो कति हैवी प्लेयर हो, रुक जाओ तुम्हें भी बताते हैं अभी। जैसे इस वाले बंदे को खत्म करा ना, इसकी थोड़ी सी लूट थी भाई वो ले ली। उसके बाद मैंने अपने टीममेट को मैंने कहा भैया गाड़ी उठाओ निकलो यहाँ से। अब बीच रास्ते में भाई हमने दो तीन गाड़ी चेंज करी और गाड़ी चेंज करते करते मतलब इतनी देर होगी हमें बंदे मिले नहीं, क्योंकि दो तीन गाड़ियों का मैंने फ्यूल खत्म कर दिया था। अब थोड़ी देर बाद कुछ बंदे अपार्टमेंट से फायर करते हैं हमारे ऊपर और अब हमने इनके ऊपर डायरेक्ट पुश कर दिया था। यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी लगी खड़ी थी इनकी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के सोच रहा था, मैंने कहा काश कि मुझे इसी वाले घर में दो तीन बंदे मिल जाएं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। साइड वाले घर में कुछ बंदे थे और ये बंदे मतलब क्या ही थे भाई, दो बंदे ऊपर दो बंदे नीचे और दो तो हम थे ही। अभी यहाँ पे बस तुम मेरे डीसिंक और मेरा लैग देखना। भाई साहब एक बारी को वो बंदा मुझे लगा कि साला स्पीड हैकर है, पर लास्ट में मैंने इस बंदे को मार दिया और इसके टीममेट को भी मार दिया। और यहाँ पे भी दो बंदे थे गाइस जो कि ऊपर थे और उनका जुगाड़ देखना, मतलब एक बंदा लेफ्ट साइड पड़ा एक बंदा राइट साइड। भाई बाल बाल मरते मरते बचे गाइस। कभी भी तुम भाई मतलब अपार्टमेंट में पुश करो ना तो डायरेक्ट मतलब सीधा मत घुस जाया करो, इधर ऊपर जब पुश करो ना तो भाई एक साइड डिसाइड कर लेना कि लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड। ये चीज़ जो है भाई तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि अपार्टमेंट में बंदे पता क्या करते हैं दोनों तरफ लेट जाएंगे ऊपर छत पे जाके। ये हो रहा बंदा यहाँ पे, बंदे रोक लेना पीछे ठीक है, यहाँ पे रोक लेना। अभी यहाँ पे हमें गाड़ियों का थोड़ा सा काफिला सा खड़ा हुआ दिख रहा था, मैं कहा भाई कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे, कोई पार्किंग वार्किंग है क्या? तो मैं और मेरा टीममेट तो यहीं पे आगे रुके, हमने सोचा कि यहीं पे ही बंदे होंगे, पर बंदे हमारे बिल्कुल सामने वाले रिच पे थे। मेरे पास थी M4, मेरे टीममेट के पास थी AKM और मैं ठहरा बेटी चोद। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा यार दे दे AWM, और इसने मुझे जैसे ही AWM दी ना, तुम्हारे भाई ने सामने वाले बंदे की खोपड़ी खोल दी। काफी ज्यादा अद्भुत शॉट मारा मैंने उस बंदे के और अब बारी तीन बंदों में पुश करने की, बेचारे ओपन में फंस गए, ऊपर से मेरी AWM का शॉट भी खा लिया। भाई AWM से कैसे मर सकते हो तुम? पर इतनी देर में मैं क्लोज इन करता हूँ, इतनी देर में तो भाई मेरे साइड से भी कुछ बंदों ने मारी, बहुत ज़्यादा हेल्थ कम कर दी थी तो मैं सामने जा नहीं सकता था, पर इतनी देर में वो बंदे रिवाइव हो सकते थे और हो भी गए। पर ये बंदा बेचारा दोबारा से नोक हो गया और यहाँ पे ये बंदा नोक ही पड़ा हुआ था, इसका टीममेट मुझे दिखा ही नहीं भाई, पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ था। और थोड़ी देर बाद दिखा, जब भाई दिखा तो मतलब क्या बना होगा तुम गैस करो, सांप और क्या। इस सांप को मैं थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मैंने सोचा कि भाई इसके AWM मार दूँ और इतने में खड़ा हो गया। पर अगेन इसको भी मार दिया था, बारी थी वेयरहाउस वाले बंदों की और इनके आगे मैंने पीक दी। भाई साहब MK पूरे खतरनाक इस पर यार थे, मैंने दोबारा इन बंदों के आगे पीक नहीं दी, मैंने कहा ये बंदे थोड़े खतरनाक है। अब यहाँ पे जिन बंदों को मैंने AWM का शॉट मारा था उन बंदों की गाड़ी चुरा के मैं और मेरा टीममेट सीधा भाग जाते हैं यहाँ से, और इस चीज़ का हमें फायदा भी होता है। ये वाले बंदे तो हमें आगे स्क्वाड हाउस पे मिल ही गए थे।
वो शायद निकल गए मेरे हिसाब से शायद। देखो यहाँ पे ये वही वाला बंदा है जो भाई हमें वेरा उस पे मिला था। और इसका टीममेट भी वही था जिसके पास एमके थी। अब ये दोनों बंदे मर चुके थे, बच रहे थे सिर्फ दो बंदे लास्ट वाले। पर ये वाले दो बंदे भाई मतलब तुम क्या ही बताऊं यार। फिर तुम कहोगे कि यार सेम चीज बार बार नहीं बोलनी होती लेजेंड, कितनी बार बोलेगा। पर भाई इन बंदों पे ना वही वाली लाइन सूट करती है कि भैया तुम तो बड़े ही हैवी ड्राइवर हो भाई, कसम से हैवी ड्राइवर ही थे ये बंदे। मैं हेल्थ लगा रहा हूँ, ये बढ़िया घूम रहा है। मैं आ रहा था, कमेंट सेक्शन में बताना ये बंदे हैवी ड्राइवर थे या नहीं। तो होप सो गाइस तुम्हारा आज के लिए गेम पे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लीव लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हारे से किसी एक और नए वीडियो में किसी एक और न्यू गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।